हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड प्लीज़। सो गाइस, चलते हैं अपने प्रवेश पाठ की तरफ। प्रवेश पाठ में जैसा कि आपने देखा था कि जो हमारी राधिका होती है ऐसे ही बैठी होती है और अपने और पापा के बारे में सोच रही होती है। बोलती है पापा मेरे बिना कैसे रहेंगे यार, मैं पापा के बिना कैसे रहूँगी यार। ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ वो भी बहुत ज़्यादा सैड होती है राधिका के लिए। उसको भी राधिका की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है और दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। दोनों ही ऐसे ही सो जाते हैं। जैसे ही मॉर्निंग होती है तो जो हमारी राधिका होती है वो उठती है, उठ के फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है। और ऐसे ही ब्रेकफास्ट बना के आती है, आके फिर अपने पापा को उठाती है और बोलती है पापा उठ जाए ना, मॉर्निंग हो गई। उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा मैं उठ गया हूँ, मैं आ रहा हूँ, अब तुम जाओ। फिर ऐसे ही जो राधिका होती है वो अपने पापा के रूम से बाहर आ जाती है। आके वो ऐसे ही बाहर बैठ जाती है और सोचने लग जाती है यार, अगर मैं नहीं होंगी तो पापा के लिए ब्रेकफास्ट खाना वगैरह कौन बनाएगा यार, पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, मैं क्या करूँ यार। मैं पापा को बोल दूँगी कि पापा मुझे नहीं जाना है विदेश में, आपके पास ही रहूँगी पापा, छोड़ो हॉस्टल नहीं जाना है, आप अकेले हो जाओगे पापा। उसके बाद सोचती है मैं कैसे बोलूँ यार, पापा ने एडमिशन भी करवा दिया कॉलेज में यार, अब क्या करूँ मैं यार, पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। ऐसे जो हमारी राधिका है वो सोच रही होती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है। फिर उसके जो पापा होते हैं वो एकदम से आ जाते हैं। ऐसे ही जैसे ही राधिका को देखते हैं, राधिका बोलते को देख के बोलते हैं राधिका के पापा के बेटा क्या हुआ आप इतना सैड क्यों हो। राधिका बोलते हैं पापा मुझे ना नहीं जाना पापा, आपको छोड़ के पापा, आप अकेले हो जाएंगे ना, आपके लिए ब्रेकफास्ट और खाना कौन बनाएगा पापा, मैं नहीं रह पाऊँगी पापा, आपके बिना मुझे नहीं जाना है पापा प्लीज़। उसके पापा बोलते हैं नहीं बेटा देखो मैं रह लूँगा ना, और आपका भी हॉस्टल है, आप ही स्टडी करो ना, आप वैसे भी बोर हो जाती हो पूरा दिन घर पे, आप जाओ स्टडी करो, मेरा जब मन करेगा मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगा ना, बेटा आप स्टडी करो, मैं रह लूँगा घर पर, आप जाओ अपनी स्टडी करो मन लगा के। तो ऐसे ही जो राधिका के पापा होते हैं राधिका को बहुत ज़्यादा समझाते हैं। फिर जो हमारी राधिका होती है बोलते हैं ओके पापा मिस यू सो मच पापा। फिर उसके पापा बोलते बेटा मैं अभी तो नहीं जा रहा हूँ ना, अभी तो 2-3 दिन है ना, अभी तो हम मैं और तुम बहुत ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे इन्जॉय करेंगे, उसके बाद जाना है ना हॉस्टल में। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका बोलती है हाँ पापा, फिर ऐसे ही उसके पापा बोलते हैं बेटा मूड ठीक करो, चलो 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 ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी, जल्दी से लगाओ ना, मुझे बहुत भूख लगी। उसके बाद जो हमारी राधिका है बोलती है ओके पापा मैं लगाती हूँ। फिर ऐसे ही जो राधिका होती है वो ब्रेकफास्ट लगा लेती है, ब्रेकफास्ट लगा के वो और उसके पापा ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद राधिका के पापा बोलते हैं चलो बेटा अभी आप रेडी हो जाओ, हम जा रहे हैं घूमने के लिए। उसके बाद राधिका तो बोलती है पापा कहाँ पे जा रहे हैं हम। उसके बाद बोलते हैं बेटा अब जाओ रेडी होके तो आओ ना, मैं बोलता बताता हूँ। फिर ऐसे ही जो राधिका होती है वो भी रेडी होने के लिए चली जाती है और उसके पापा भी ऐसे ही रेडी होने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही फिर उसके पापा रेडी होके आ जाते हैं और राधिका बोलते हैं बेटा कितना टाइम लगाऊंगी, जल्दी आ जाओ ना, लेट हो रहा है। फिर ऐसे जो राधिका होती है वो बोलती है हाँ पापा एक मिनट में आ रही हूँ। फिर ऐसे ही जो राधिका है वो तैयार होके फिर जैसे ही नीचे आती है तो राधिका के पापा जैसे ही अपनी बेटी को देखते हैं तो वो अपनी बेटी को देखते ही रह जाते हैं। फिर राधिका जब आ रही होती है तो राधिका फिर अपने पापा के पास पहुँचती है तो बोलती क्या हुआ पापा मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं पापा। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं मेरी बेटी कितना प्यारी है ना, किसी की नज़र ना लगे मेरी बेटी को। फिर उसके बाद राधिका तो बोलती क्या पापा आप भी ऐसे ही बोल रहे हो, चलो 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 देर हो रही है। फिर ऐसे जो राधिका होती है और उसके पापा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं कहीं घूमने के लिए। फिर ऐसे ही जो राधिका के पापा होते हैं वो अपनी बेटी को पूरा शहर घुमा रहे होते हैं और जो राधिका है उसको वो शहर बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है अपने पापा के साथ। और ऐसे ही दोनों बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। फिर ऐसे ही जो राधिका बोलती है पापा मुझे ना आइसक्रीम खानी है, और उसके बेटा उसके पापा बोलते हैं बेटा आप आइसक्रीम खाओगे बच्चे हो क्या। उसके बाद जो हमारी राधिका बोलती है पापा प्लीज़ 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 मुझे आइसक्रीम खानी है। उसके बाद जो राधिका है
और उसके पापा जो होते हैं एक आइसक्रीम लेके आते हैं। वो उसके जो जो राधिका है क्या पापा एक ही मुझे एक मेरे लिए एक और लेके आए। फिर उसके बाद राधिका के पापा बोलते बेटा गला ख़राब हो जाएगा ना, एक ही खाओ अभी। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका बोलते नहीं 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 पापा मुझे एक और ला के दो ना। फिर ऐसे ही जो राधिका के पापा होते हैं उसके लिए एक और ले आते हैं आइसक्रीम, और जो दूसरी आइसक्रीम होती है वो राधिका अपने पापा को दे देती है। वो अपने पापा को बोलते पापा हम भी खाए ना क्या है। फिर उसके पापा बोलते बेटा मैं। उसके बाद जो राधिका है वो बोलते हाँ पापा आप खाएँ। ऐसे ही राधिका और उसके पापा बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे और साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है, वो बोलते पापा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ कहीं चल के बैठती हूँ। उसके पापा बोलते हाँ बेटा बस चल रहे हैं। फिर ऐसे ही थोड़ी देर से चलते चलते फिर आगे से एक पार्क आ जाते हैं, वो और उसके पापा वहाँ पे बैठ जाते हैं। जो हमारी राधिका है उसके सामने छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं और हमारी राधिका का मन भी बहुत ज़्यादा करता है उनके साथ खेलने का। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका है उनको बोलती है क्या मैं भी आपके साथ खेलूँ। उसके बाद जो हमारी बच्चे होते हैं बोलते हैं नहीं नहीं आपको नहीं खेलने दें। उसके बाद जो हमारी राधिका है बोलती है कि जो मुझे खिलवाएगा मैं उसको चॉकलेट भी दूंगी। उसके बाद वहाँ पे जो बोलते हैं सच में दीदी। उसके बाद राधिका बोलते हैं हाँ मैं जो जीतेगा जो मुझे अपने साथ खिलवाएगा मैं उसको चॉकलेट दूंगी। उसके बाद बच्चे बोलते ओके दीदी। फिर ऐसे ही वो बच्चों के साथ जो हमारी राधिका होती है ऐसे ही क्रिकेट खेलने लग जाती है। फिर जैसे ही राधिका की बारी आती है तो बैटिंग की तो वो ऐसे ही एक जो बच्चा उसको बोल देता है एकदम से जो हमारी राधिका एकदम से आउट हो जाती है। उसके बाद जो बच्चे होते हैं बोलते हैं हाय हाय दीदी पहली बॉल में आउट हो गई दीदी पहली बॉल में आउट हो गई। उसके बाद हमारी राधिका बोलते नहीं मैंने तो देखा ही ना तुमने एकदम से बोल दे दी मैंने तो देखी नहीं। उसके बाद बच्चे बोलते हैं दीदी आप आउट हो गई हो दीदी चलो चलो आप आउट हो गई। उसके बाद जो हमारी राधिका वो जो होती है वो बोलते नहीं मैं नहीं हारी हूँ मैं नहीं आउट हुई हूँ मुझे फिर से करनी है। बच्चे बोलते नहीं नहीं दीदी आप आउट हो गई हो ना अब हमारी बारी है। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो फिर ऐसे ही बच्चों को दे देती है। फिर ऐसे ही फिर जो बच्चे होते हैं वो खेलने लग जाते हैं और राधिका के जो पापा होते हैं वो सामने बैठ के अपनी बेटी को बच्चों के साथ खेलता हुआ देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बोलते हैं मेरी बेटी भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई है। फिर ऐसे ही जो राधिका होती है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, थक के आके अपने पापा के आस पास बैठ जाती है। उसके पापा बोलते हैं क्या बेटा तुम भी बच्चों की तरह। उसके वो आगे से राधिका बोलते क्या पापा मैं बच्ची नहीं हूँ तो मेरा भी तो मन करती है ना खेलने का मैं किसके साथ खेलूँ बचपन से मेरे साथ कोई नहीं है मैं अकेली रहती हूँ पापा तो इस वजह से मेरा बहुत मन करता है कोई भी हो मेरे पास जिसके साथ मैं भी खेलूँ। उसके पापा बोलते हैं बेटा मैं हूँ ना मैं खेलूँगा ना आपके साथ। राधिका बोलती है पापा आप खेलेंगे। फिर ऐसे ही दोनों बाप बेटी हंसने लग जाते हैं। फिर जो राधिका के पापा होते हैं वो उनकी कॉल आ जाती है। फिर जो हमारी राधिका है वो वहाँ पे बैठ जाती है और उसके पापा कॉल पे बात करने लग जाते हैं। फिर ऐसे ही जो राधिका होती है वो फिर से बच्चों को देखने लग जाती है और बोलती है वो मन में फिर से सोच रही होती है कि यार काश मेरा भी कोई होता है जिसके साथ मैं खेलती इंजॉय करती। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है वो ऐसे ही बच्चों को देख रही होती है। फिर बाद में एक लड़की के हाथ में वो फ़ोन देखती है उसको फिर से अपने फ़ोन की याद आ जाती है। वो बोलती है यार कविता मुझे मिस कर रही होगी कि नहीं यार वो मुझे कॉल कर रही होगी मैं तो उसको बहुत मिस कर रही हूँ यार मुझे नहीं पता हम लोग इतने कम टाइम में इतना क्लोज आ गए यार उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगते मैं क्या करूँ एक मिनट में आई कुछ दिन के लिए आई फिर एकदम से चली गई मेरी गलती की वजह से यार मेरा फ़ोन घर पे रह गया। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है वो बहुत ज़्यादा सैड होने लग जाती है और दूसरी तरफ जो हमारी कविता होती है वो भी ब्रेकफास्ट करके अपने रूम पे ही आ रही होती है तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा कुछ टाइम आके हमारे पास भी बैठ जाओ ऐसे भी तुमने तो हर टाइम रूम पे ही होना है ऐसा नहीं है कि घर वालों के साथ भी आके बैठ जाए। फिर जो हमारी कविता होती है वो बोलती है हाँ मम्मी। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो जाके अपनी मम्मी के साथ बैठ जाती है। फिर उसकी मम्मी उसके अपनी बेटी के साथ बातें करना स्टार्ट कर देती हैं। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो अपनी मम्मी की बातें सुन रही होती है। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है उसकी खाला भी आ जाती हैं और कविता की मम्मी बोलती हैं कि वाह क्या बात है आई तो सब साथ में बैठे हुए हैं। फिर ऐसे ही कविता की जो मम्मी होती है वो कविता की आंटी को बोलती है कि बस अभी जो मेरी बेटी है वो हॉस्टल में जा रही है ना तो बस इस वजह से 2-3 दिन बाद ये चली जाएगी हॉस्टल में। उसके बाद उसकी मामी आंटी बोलती है क्यों क्यों भेजी उसको हॉस्टल। तो उसके बाद जो कविता की मम्मी होती है वो
वो बोलती है इसने इज़्ज़त की है कि मुझे हॉस्टल जाना है, मुझे हॉस्टल में पढ़ना है, इस वजह से इसको हॉस्टल में भेज रहे हैं। फिर उसके बाद उसकी आंटी बोलती है अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद जो राधिका की कविता की आंटी होती है वो कविता को बोलती है कि बेटा सही से मन लगा के पढ़ना और ज़्यादा बातें किसी से नहीं करना, क्योंकि हॉस्टल के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते। ओके ना, ज़्यादा बातें किसी से मत करना और ज़्यादा फ्रेंडशिप भी किसी से मत बनाना। उसके बाद जो हमारी राधिका है कविता है वो बोलती है हाँ आंटी मैं किसी से को भी ज़्यादा क्लोज नहीं रहूँगी, सबसे दूर दूर रहूँगी, अपनी स्टडी में रहूँगी। उसके बाद उसकी आंटी बोलती है गुड। तो ऐसे ही जो उसकी आंटी होती है वो जो हमारी कविता होती है वो एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता की आंटी है वो बहुत ज़्यादा मज़ा करती है राधिका से और राधिका बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है। फिर जब राधिका की मम्मी अपनी बेटी को ऐसे हंसते हुए देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलते हैं मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाएगी, हॉस्टल में चली जाएगी, फिर क्या करूँगी मैं, कैसे रहूँगी, ये तो रह पाएगी बट मैं कैसे रह पाऊँगी। फिर ऐसे ही उसकी मम्मी वहाँ से उठ के चली जाती है, किसी को पता नहीं चलता है। फिर ऐसे ही किचन में जाके वो अपनी आंसू पोंछने लग जाती है। फिर एकदम से उसकी जो बड़ी सिस्टर वो आ जाती है, बोलती क्या मम्मी क्या हुए। तो उसके बाद उसकी मम्मी बोलती कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही आंख में कुछ चला गया था। उसकी सिस्टर कविता की सिस्टर बोलती है हाँ मम्मी मुझे पता है आप क्यों रो रहे हो, उस पागल लड़की की वजह से रो रहे हो ना। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा क्या करूँ, बेटी है ना दूर जा रही है तो मिस तो करूँगी ना उसको। फिर ऐसे ही जो कविता की मम्मी है वो अपनी बेटी के लिए और अपनी बहन के लिए कुछ बना के लेके आ जाती हैं। उसके बाद जो हमारी कविता है वो बोलती क्या मम्मी क्या बना के लेके आई हो। उसके बाद जो कविता की मम्मी होती है देखो वो तो क्या है, देखती हैं कि जो हमारी कविता होती है उसकी फेवरेट डिश आई होती है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि हमारी जो कविता होती है उसको मिठाई में बहुत खीर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उसकी मम्मी उसके लिए खीर बना के लेके आती है। जो हमारी कविता बहुत शौक से बहुत मज़े लेके खा रही होती है और हमारी कविता की मम्मी बोलती हैं कि बेटा आराम से खाओ ना। उसके बाद कविता बोलती है क्या मम्मी इतना मज़े को बनाया, मम्मी मन करते आपका हाथ चूम लो। उसकी मम्मी बोलती है तो चूम लो ना किसने रोके। उसके बाद जो हमारी कविता बोलती है नहीं मम्मी अभी नहीं, अभी मैं खीर खा रही हूँ ना बाद में। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता की मम्मी हैं वो ऐसे ही हंसने लग जाती हैं और ऐसे ही फिर आके अपनी बेटी के सर पे हाथ रखती हैं, रख के फिर ऐसे ही वो वहाँ से चली जाती हैं किचन में दोबारा से। और जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही खीर खा रही होती है और उसकी खाला भी खा रही होती है और दोनों साथ में बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं। और कविता की जो आंटी होती है वो बहुत ज़्यादा फनी होती है, उनके उसके साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रही होती है। फिर जो हमारी कविता होती है वो बोलती है आंटी कभी तो बहुत मज़े की ना, उसकी आंटी बोलती है हाँ बेटा बहुत मज़े की। ऐसे ही दोनों फिर खीर ख़त्म कर लेते हैं। फिर जो हमारी कविता है उसको एक अपने उसकी कोई फ्रेंड की कॉल आ जाती है और जो हमारी कविता है वो थोड़ा सा बाहर चली जाती है कॉल सुनने के लिए। उसके बाद उसकी जो एक फ्रेंड होती है वो बोलती है कि यार कविता तुझे पता है। उसके बाद कविता बोलती है क्या हुआ है। उसके बाद उसकी फ्रेंड बोलती है यार तुम्हें पता है मेरी शादी है यार, मैं शादी कर रही हूँ। उसके बाद जो हमारी कविता जो बोलती है क्या तुम स्टडी नहीं करी, स्टडी छोड़ दोगी क्या, शादी करोगी। उसके बाद बोलती है हाँ यार बस मुझे अभी स्टडी नहीं करनी, मैं तो शादी करके जा रही हूँ अपने ससुराल को, तुम तो स्टडी करके पढ़ी रहो ऐसे ही, मैं तो जा रही हूँ। उसके बाद जो हमारी कविता होती है अच्छा 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 बेटा सही है, कर ले शादी कर ले, तुझे भी पता चल जाएगा। तो ऐसे ही जो उसकी फ्रेंड होती है वो भी उससे कुछ देर तक बात करती है और जो मेरी कविता है वो फ़ोन रख देती है और उसकी वो बस यही सोच रही थी काश मेरी लाइफ में भी ऐसा कोई हो जिससे मैं हर टाइम बातें करूँ। ऐसे ही जो हमारी कविता है वो सोच उसको फिर से राधिका की याद आ जाती है, बोलती है कि भगवान ने मुझे एक लड़की दी थी बट वो भी छीन लिया, कितना अच्छा लगता था उससे बात करके। ऐसे ही वो फिर से राधिका को मिस करना लग जाती है। फिर ऐसे ही उस जो हमारी कविता की मम्मी होती है उसको बोलते हैं कविता बेटा इधर आओ, कविता बोलती है हाँ मम्मी मैं आ रही हूँ। फिर जो हमारी कविता है वो अपनी मम्मी की बात सुनने के लिए चली जाती है। जो हमारी कविता की मम्मी होती है वो बोलती है बेटा आप अपने साथ तुम अपने साथ कौन कौन से कपड़े लेके जाओगी। उसके बाद जो हमारी कविता होती है मम्मी कुछ भी डाल दो यार बस कुछ भी ले जाऊँगी, सही से ऐसे डाल दो। उसकी मम्मी बोलती बेटा जो जो लेके जाने हैं तो तुम पैकिंग कर लो अपनी ना,
उसकी रख दें, हाँ मम्मी कर लूँगी। सो गाइज प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक और शेयर भी कर दे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो साथ में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।